हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनीत। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और गर्मी बहुत अधिक होने लगी है। हम लोग क्या करते हैं, पंखा चलाकर और कूलर चलाकर आराम से लौट जाते हैं और हमारे पशुओं को बहुत गर्मी लगती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम आज उनके ऊपर फुहारे लगाएंगे। तो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे उनकी फिटिंग होगी और क्या क्या सामान की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर आपको भी लगाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों देखो कैसे लगाएंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही एक पेंच गाड़ लिया है ड्रिल मशीन की मदद से छेद कर कर, और एक परली साइड गाड़ लगाया है। तो दोस्तों हम दोनों पेचों पर क्या करेंगे, स्टील वायर लगा देंगे और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या होगा। तो दोस्तों हमारे पास है अमेजोन से मंगाई हुई ये मशीनें, आपको बताते हैं। ये हमने ऐसे ही दुकान से ले लिया था। ये है टाइमर जो कि इसका टाइम को मेंटेन करेगा। ये वोल्टेज है जो कि इसकी विद्युत सप्लाई को मेंटेन करेगा। और ये है मोटर जो कि पानी को पंप करेगी। तो चलो इसको फिट कर कर दिखाते हैं। तो दोस्तों ये पाइप है जो हमारी आरओ में लगता है, उस पाइप को यहाँ पर लगाकर आपको इसका पहले सिंपल प्रेशर दिखाते हैं कैसे है, कितना प्रेशर देती है। और अब करते हैं इसका स्विच ऑन। ये टाइमर है तो इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मैंने टाइम पहले ही फिट कर रखा है इसमें। तो दोस्तों देखो इसका कितना प्रेशर है, बस ऐसे ही टपके टपके पड़ते रहेंगे बिना गैप कुछ फुहारे फुहारे लगाए। तो चलो फुहारे लगाकर दिखाते हैं इसके प्रेशर को। तो दोस्तों इस मशीन को मैंने पहले से ही पेंच लगा लिया है। इस मशीन को इस पर लगाएंगे। उस टाइमर को लगाएंगे यहाँ पर। अब करते हैं दोस्तों फुहारों की फिटिंग। तो दोस्तों मैंने दिखाया था ये फिल्टर है, इसका काम है पानी को फिल्टर कर कर पंप तक पहुंचाना, ताकि फुहारों के आगे कोई कबाड़ कुबुड़ जाकर ना अटे और हमें बेर बेर साफ ना करने पड़े। इसलिए मैंने ये फिल्टर भी लगाया है और इसको कर देंगे यहाँ पर फिट। अब करते हैं फुहारों की फिटिंग। तो दोस्तों इस तार को अब उस पर फिट करते हैं प्लास की मदद से। हाँ हो रहा है, सच्चो लग रहे हो। तो दोस्तों ये यहाँ पर तार तो फिट हो चुका है, अब करते हैं फुहारों की फिटिंग। तो दोस्तों ये हमारे पास इस फुहारों को फिट करने का सामान है और ये फुहारे हैं हमारे छोटे छोटे से। तो दोस्तों हम वहां से यहां तक पाइप ले आए हैं और अब इस टेप की मदद से चिपकाएंगे। अगर हम धागे की मदद से चिपकाते तो धागा इसको पिचका देता और प्रेशर नहीं बनने देता। तो इसलिए हम इसे इस कागज वाली टेप की मदद से चिपकाएंगे।
पहले तो इसको कच्चे कच्चे से हिसाब से चिपका देंगे, फिर पक्की करेंगे बाद में। तो दोस्तों सिंपली इनमें लगा देंगे और एक टेप यहाँ पर लगा देंगे और एक पाइप यहाँ से गाल कर एक टेप यहाँ लगा देंगे। तो दोस्तों लास्ट में हम अगर आप नया पाइप लाएंगे तो ये पिन मिलेगी जो आगे से इसको पाइप को बंद करती है, ये लगानी बहुत जरूरी है, नहीं आगे से पानी निकल जाएगा और प्रेशर नहीं बनेगा। तो दोस्तों हमने सभी फुहारों की फिटिंग कर दी है और अब इनको देखते हैं चलाकर ये कैसे चलते हैं और कैसे इनका फुहारा आता है। तो चलो इनकी टेस्टिंग करते हैं। हमारे पास 7 फुहारे थे, हमने 7 के साथ लगा दिए हैं। आप लोग अपने पशुओं के ब्रांडे के हिसाब से लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे फुहारे बिल्कुल टेस्टिंग के लिए तैयार है, तो चलो चलाते हैं इनको। तो दोस्तों लाइट की वजह से ऐसा ही पानी हो गया है और ऐसी लाइट हो रखी है, इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप इनकी आवाज़ ज़रूर सुन सकते हैं। और अब हम पशुओं को बांध कर दिखाते हैं उनके ऊपर कैसे उस पर पड़ती है। आप नीचे देख सकते हैं बिल्कुल ही गीला हो चुका है सारा का सारा फरस। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर ज्यादा से ज्यादा करनी है ताकि कोई भाई का भला हो जाए और उनके पशुओं के ऊपर ये फुहारे लग जाए। देखो दोस्तों कैसे शर्ट पर भी ओस ओस लग चुकी है।
दोस्तों वीडियो को लाइक करें या ना करें, जो जो भी पशु रखते हैं उनके पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि मैं भी अपने पशुओं का अच्छे से ख्याल रख सके और गर्मी से बचा सके।